तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच नंबर 37 और सुपर 12 का ये महामुकाबला इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच आज यानी कि 5 नवंबर 2021 फ्राइडे को खेला जाने वाला ये मुकाबला। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा 7:30 बजे से। यह मैच भी शुरू होने वाला है यानी कि 7:30 PM से। ये मुकाबला भी टीम इंडिया के लिए मस्ट विन मुकाबला है, करो या मरो के मुकाबले है। भारतीय टीम को अब यहाँ से बाकी बचे 2 के 2 ही मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वो भी बड़े बड़े अंतर से, अगर T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है। हालांकि इसके बावजूद भी टीम इंडिया को अफगानिस्तान की टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को उधर हरा दे। बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की टीम ने ग्रुप स्टेज के मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक सुपर 12 के 3 मुकाबले जो खेले स्कॉटलैंड की टीम को अब तक एक भी मैच में जीत नहीं मिली है। हालांकि पिछला मुकाबला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड की टीम ने खेला था, बेहतरीन गजब का प्रदर्शन दिखाया था और आखिरी तक मैच में लड़े थे, और यही खूबी काफी पसंद आई सभी क्रिकेट प्रेमियों को कि छोटी टीम किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, किस तरह से मुकाबले में लड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया का भी प्रदर्शन इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में कुछ खास नहीं रहा है। इस टीम ने भी टोटल 3 मुकाबले खेले, 3 मैचों में से 1 में जीत मिली है, 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जहां पर टीम इंडिया को 2 बड़ी टीमों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को शानदार जीत मिली थी। तो टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद होंगे इस मुकाबले में भी। अब ग्रुप 1 से श्रीलंका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, ये 3 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। तो वहीं ग्रुप 2 से नामीबिया और स्कॉटलैंड, ये 2 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो स्कॉटलैंड की टीम के लिए कुछ खोने को बचा नहीं है इस मुकाबले में, और इसी वजह से स्कॉटलैंड की टीम बेखौफ इस मुकाबले में खेलने वाली है बिना किसी डर के। तो इस मुकाबले के लिए क्या होने वाले, इंडिया और स्कॉटलैंड दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, किन किन 11 खिलाड़ियों के साथ दोनों ही टीम मैदान पर उतरने वाली है, इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से दोनों ही टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं, जबकि इस मुकाबले की मैच इवन प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कि जीतेगी टीम इंडिया या फिर जीत पाएगी स्कॉटलैंड की टीम। तो वीडियो पूरी अंत तक देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक है। तो गाइस आईपीएल के बाद अब T20 वर्ल्ड कप में भी MPL पर अपनी टीम बनाकर खेलने वाला हूं, जहां पर आप भी लाखों रुपए जीत सकते हैं। आप भी जल्दी से अपना टीम MPL पर बना लीजिए और मेरे साथ खेलिए। गाइस MPL पर वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच वाले दिन आप डेली 2 करोड़ तक जीत सकते हैं और आप 1000 रुपए तक कैशबैक भी पा सकते हैं कम से कम 35 रुपए के डिपॉजिट पर। और हाँ, आप MPL पर फ्री में खेलकर लाखों जीत सकते हैं। ये सब लोग जैसे विनर्स बने हैं, वैसे आप भी अपनी टीम बनाकर विनर्स की लिस्ट में अपना नाम बनाओ। तो जाओ जल्दी से बनाओ अपनी टीम, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच ये सुपर 12 का महामुकाबला आज यानी कि 5 नवंबर 2021 फ्राइडे को ही खेला जाएगा, जो कि ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। तो स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है भारत के खिलाफ। तो नंबर 1 पर जॉर्जे मुनसे ओपनर बल्लेबाज, नंबर 2 पर काइल कोर्टेस बेहतरीन विकेट कीपर और ओपनर बल्लेबाज, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे पारी की शुरुआत। नंबर 3 पर मैथ्यू क्रॉस विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 4 पर रिची ब्रिंगटन, नंबर 5 पर कोलम मैकलॉर्ड, जबकि नंबर 6 पर माइकल लेस्क, जबकि नंबर 7 पर क्रिस ग्रेव्स, नंबर 8 पर मार्क वेट, नंबर 9 पर सफियान शरीफ बेहतरीन तेज गेंदबाज, नंबर 10 पर अल्सडेयर इवांस, नंबर 11 पर ब्रैड विल। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए कुछ इस तरह से होने वाली है। एज अ ओपनर नंबर 1 पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, नंबर 2 पर KL राहुल, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे पारी की शुरुआत। नंबर 3 पर किंग कोहली यानी कि विराट कोहली, भारतीय टीम के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन किंग कोहली का आज जन्मदिन भी है, तो टीम इंडिया इस जीत के साथ विराट कोहली को जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहेगी। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, जबकि नंबर 9 पर बेहतरीन स्पिनर रविचंद्र अश्विन, जो कि अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी फास्ट बॉलर, नंबर 11 पर यॉर्कर किंग यानी कि जसप्रीत बुमराह। तो गाइस इंडिया और स्कॉटलैंड दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, क्या करिए मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, तो गाइस इस मुकाबले का जो मैच विन प्रेडिक्शन है वो ये है कि टीम इंडिया यह मैच 100% कंफर्म है कि जीतने वाली है, और वो भी टीम इंडिया अच्छे खासे अंतर से जीतने वाली है। अब टीम इंडिया मैच में भी चाहे टॉस जीते या फिर टॉस हारे से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीत फिलहाल इस मुकाबले में टीम इंडिया की ही होने वाली है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आपने अभी तक MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।